I'm Rahul Roy and you're watching me on www.rjmala.com. Rahul ji, sabse pehle welcome to the show. Thank you very much for having me. Yeah, thank you so much. आप यहाँ आए, इतना टाइम आपने हमें दिया है. राहुल, जानना चाहेंगे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में आपने पढ़ाई लिखाई की है, तो पढ़ाई तो आपने की, लेकिन व्हाट अबाउट एक्टिंग? एक्टिंग का भी आपने यहाँ कोई कोर्स किया या कोई आपका बैकग्राउंड एक्टिंग से रिलेटेड? नहीं, मैं पैदा बॉम्बे में हुआ, 6 महीने की एज पे दोनों मेरे भाई और मैं यहाँ पे दिल्ली आए थे. जी, ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि मैंने पढ़ाई यहाँ पे की सेंट कोलंबस हाई स्कूल में. जी. फिर मैं एक बोर्डिंग स्कूल में गया सनावर में, जो शिमला के पास है, कसौली में. फिर वहाँ से वापस आया, भगत सिंह कॉलेज ज्वाइन किया यहाँ पे. जी. फिर मैं स्कॉटलैंड में जाकर के भी मैंने पढ़ाया, बीच में कनाडा में भी बीच में जाकर के पढ़ा. बट मेरी मॉडलिंग की शुरुआत यहाँ पे हुई थी. ऑलराइट. रोहित खोसला नाम के एक डिजाइनर होते थे, उनके जरिए. लेकिन विद इन 1 वीक शोज करते हुए, फोटो सेशंस उनके साथ करते हुए, मैं बॉम्बे चला गया एज अ मॉडल. तो मेरी मदर के साइड की जो फैमिली है वो सारे मुंबई बेस्ड है. तो लोगों को लगता था कि मैं मुंबई का हूँ लेकिन दिल्ली से आता हूँ, क्योंकि दिल्ली में घर वगैरह सब है. तो दिल्ली बेस्ड मॉडल बन के मैं मुंबई गया था. मुंबई में मॉडलिंग करता था, मेरे पिताजी का बिजनेस मैं हैंडल करता था वाया दिल्ली. एंड एक्टिंग जिसे कहते हैं, एक्टिंग का कीड़ा जो है, या एक्टिंग, ये श्रेय तो मैं सीधा सिर्फ भट्ट साहब को ही दूंगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूंगा या एक्टिंग करूंगा. जी. राहुल, जानना चाहेंगे आपकी डेब्यू फिल्म के बारे में. आशिकी से आपने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की और पहली ही फिल्म सुपर डुपर हिट. इस फिल्म का प्रपोजल आपसे कैसे आया और क्या आपने खुद ये एक्सपेक्ट किया था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं मॉडलिंग कर रहा था मुंबई में और उन दिनों में मेरे पेरेंट्स डिवोर्स थे. मेरी मदर जो है यूनिसेफ के साथ काम करती थी, काफी सालों से काम कर रही थी, तो वो मुंबई बेस में थी. और उनका एक आर्टिकल एक मैगजीन के कवर पे आया था, सैवी मैगजीन. तो भट्ट साहब बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि मेरी मदर बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियनेटेड, बहुत स्ट्रांग लेडी थी. जी. वो मिले उनके साथ एंड बातों बातों में फिर उन्होंने मेरा और मेरे भाई के फोटोज देखे होंगे या कुछ, और मेरे मॉडलिंग के पिक्चर्स देखे होंगे. तो उन्होंने पूछा था उनसे कि अगर मैं एक्टिंग में इंटरेस्ट लूंगा वगैरह, तो मेरी मदर ने कहा कि जब वो वापस घर पहुंचेंगी तो वो मुझसे बात करेंगे. क्योंकि मैंने कभी ऐसा इजहार नहीं किया था कि मैं हिंदी फिल्मों में काम करना चाह रहा हूँ या कुछ. तो जब वो मिली मुझसे तो उन्होंने कहा, देखो मैं भट्ट साहब से मिल के आई हूँ, बड़े अच्छे इंसान है, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे वगैरह. तब मुझे याद आया कि पर नाम, कब्जा, सारान जैसी फिल्में इन्होंने बनाई थी, बड़ी रियलिस्टिक थी. जी. तो मैं क्यूरियस था उस टाइम पे उनसे मिलने के लिए और समझने के लिए कि क्या प्रपोजल है, क्या सोच रहे हैं. तो दो मैंने उनसे फोन किया. उन दिनों में कोई मोबाइल फोन वगैरह नहीं होता, नहीं होते थे. दिस इज 89 की बात कर रहा हूँ. हाँ. तो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मुझे एक संडे को बुलाया और मैं चला गया उनके पास. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पहले ही 15-20 मिनट में ऑब्वियसली मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था भट्ट साहब से, क्योंकि बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बड़े पढ़े लिखे, मतलब मेरे दिमाग में जो मैं सोचता था कि यू नो फिल्म इंडस्ट्री के लोग कैसे होंगे, ही वॉज नथिंग लाइक दैट. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अपने स्कूल के टीचर के साथ या प्रोफेसर के साथ, एक दोस्त के साथ, एक मतलब फादर फिगर के हिसाब के साथ, किसी के साथ बात कर रहा हूँ. तो मैंने पहले ही 15-20 मिनट में मैंने सोच लिया कि अगर कुछ अच्छा होगा, आई लव टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम दिस जेंटलमैन. तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं ऐसी लव स्टोरी बनाने जा रहा हूँ एंड उनके अपने कहानी पे आधारित है, उनकी अपनी लाइफ पे. एंड तब तक कोई नदीम सावंत जी या किसी के बारे में मेरे को कुछ बताया नहीं गया था. यही तो उधर ही बैठे बैठे हम लोगों ने, मैंने कहा मेरे को मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा कि कितने दिन की छुट्टियां लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि वहां से काम कर रहा था मैं. तो वहीं से मैंने बात की डैडी से और डैडी ने कहा हाँ तू कर ले, और यही सवाल पूछा कितने दिन की छुट्टियां ले रहे हो तुम काम से.
Was that film financed by you? Not at all. Okay. I had never thought about financing and films. और हमारे family में से कोई भी film industry से जुड़ा नहीं था. लेकिन अभी कहते हैं कि भट्ट साहब जो फिल्में बनाते हैं काफी फिल्में हैं और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जो लोग एक्ट कर रहे होते हैं या जो लोग गा रहे होते हैं वो कुछ कुछ फाइनेंस का कुछ चक्कर होता है, उसमें लोग फाइनेंस करते हैं एंड देन भट्ट साहब फिल्में बनाते हैं. मैम इसके बारे में मुझे ऑनेस्टली कुछ पता नहीं होगा क्योंकि काफी समय से इन दी डीलिंग्स ऑफ विशेष फिल्म्स मेरा कुछ है नहीं. प्यार संबंध वगैरह सब चीजें, लेकिन मैं कभी उनके पास गया नहीं हूँ अभी रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है. एंड डेफिनेटली क्योंकि मैं गया नहीं हूँ तो मुझे इंटरनल डीलिंग्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है. बट मेरे टाइम पे नेवर वॉज आई एवर आस्क्ड, नेवर वॉज एनीथिंग ऐसे कुछ कभी बात की गई या कुछ. मुझे स्ट्रेट ऑफर दिया गया था एंड मैं बहुत खुशी से मैंने स्वीकार किया. रीमा लागू जी जिन्होंने रोल प्ले किया हुआ फिल्म में एज माई मदर, वो मेरी अपनी मदर पे सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर सेमाई आधारित है. एंड अनु अग्रवाल जी के साथ मैंने कुछ काफी शोज किए थे उस टाइम पे, फैशन शोज मैंने किए थे. सो आई न्यू फ्रॉम द मॉडलिंग थिंग, लेकिन शी केम इन मच लेटर इन द फिल्म. शूटिंग के दूसरे दिन मेरा ख्याल से शी वाज प्रेजेंटेड कि वो कर रही है. नदीम सावन भाई से मेरी ऑब्वियसली मुलाकात हो गई और ये भी नए थे तो हम लोग म्यूजिक के बारे में बात करते थे. एंड मुकेश जी वाज द फर्स्ट पर्सन ऑब्वियसली जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी. एंड रॉबिन भट्ट जो इनके साथ बैठ करके लिख रहे थे. सो फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा है. एंड खैर बाकी सब इतिहास में. आशिकी के बाद नाउ आशिकी 2, जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, आपने ये फिल्म देखी है पहले तो यही जानना चाहूंगी. मैंने कुछ सीक्वेंसेस देखे, मैंने पूरा नहीं देखा ऑनेस्टली, नॉट फॉर एनी अदर रीजन. आई डोंट वॉच टू मेनी हिंदी फिल्म्स, ना तो पहले करियर में देखता था ना मैं आज देखता हूँ. ये मेरी नादानगी है या क्या है. कोई ऐसी फिल्म हो जिससे मुझे लगे कि हाँ मुझे देखना है या कुछ ऐसा है. आशिकी 2 मैंने नहीं देखी, नॉट बिकॉज मैं नहीं देखना चाह रहा था. मैंने कुछ कुछ पार्ट्स में देखे हैं, अभी तो खैर अपने सैटेलाइट पे भी आती है. म्यूजिक कमाल का था, नो क्वेश्चन. आदित्य एंड श्रद्धा का जो कुछ भी काम मैंने देखा है, आई रियली लाइक इट पर्सनली. दोनों बहुत अच्छा काम किया. मोहित सूरी इज अ यंग डायरेक्टर दैट आई लव टू वर्क विद. ये तो इनकी इस पिक्चर से पहले भी मैंने जिक्र किया हुआ है. आई थिंक ही इज वेरी गुड. अब जाहिर है क्योंकि टाइटल सेम है तो लोग सोचते हैं कि भाई आपकी क्या सोचधारा है, कैसा है वगैरह. आई कांट कंपेयर द टू फिल्म्स. इसका ये नहीं मतलब कि आशिकी 2 वॉज नॉट एज गुड. डेफिनेटली वो तो सवाल ही नहीं उठता. इट वॉज ऑब्वियसली अ ब्रिलियंट फिल्म क्योंकि फिल्म ने रिकॉर्ड कायम किया है, म्यूजिक इसका भी बढ़िया था. इट वॉज अ वर्दी फॉलो अप टू आशिकी, नो क्वेश्चन अबाउट इट. अब वो आइकॉनिक स्टेट पहुंचेगा ये तो 23 साल के बाद पूछना पड़ेगा, तो याद है कि नहीं है. बट इन टूडेज माध्यम या आज की सोचधारा से ले तो कौन डिनाई कर सकता है 100 करोड़ क्लब इस टाइप, कोई डिनाई नहीं कर सकता. सक्सेस हैट्स ऑफ टू देम. और अगर कोई कर सकता है तो वही प्रोडक्शन हाउस ही कर सकता है जी. लेकिन इससे रिलेटेड एक रूमर था जो हमने सुना कि फिल्म के प्रीमियर पर आपको इनवाइट नहीं किया गया था, तो इस वजह से आप भट्ट साहब से काफी नाराज थे. नहीं मैं नाराज तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल लीनिंग है कि आज कोई भी इंसान कुछ भी करता है मुझे कोई असर नहीं पड़ता ऑनेस्टली. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसका ये नहीं मतलब कि मेरे दिल में या मेरे मन में किसी के प्रति रिस्पेक्ट कम है या प्यार कम है. मुझे असर नहीं करता है. और अगर मुझे प्रीमियर पे नहीं बुलाया तो उससे मुझे कोई गम नहीं है, शिकवा नहीं है. बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है. बट देन विशेष फिल्म ने इनकी कई फिल्में बनी है, मैं तो उनके हाउस से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने तो कभी भी मुझे कहीं पे बुलाया नहीं है. तो जो भी सोचधारा रही होगी, जो कुछ भी होगा, दैट इज देयर
प्रेरोगेटिव और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज को, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है, आई एम नॉट रिग्रेटेड इट। अब जब समय आएगा, अगर कोई ऐसी फिल्म बन रही है या रोल बन रहा है या कुछ ऐसा होगा जिसके साथ मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो वो तो समय ही बताएगा। राहुल, ऑल्दो यू आर अ दिल्लीहाइट, लेकिन अब आप अक्सर बॉम्बे या ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, आज आप दिल्ली में हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? बड़े सालों के बाद मैं एक स्क्रिप्ट और एक फिल्म के साथ बहुत खुश हूँ। okay. मैंने दिल्ली में ही इस फिल्म को शूट किया। इस फिल्म का नाम है टू बी और नॉट टू बी। बहुत ही बढ़िया फिल्म मेरे करियर में, आई थिंक इसको मैं डेफिनेटली गिनूंगा कि मैं मानता हूँ कि वन ऑफ माई बेटर परफॉर्मेंसेज है। अब ये देखना कि दर्शक मानते हैं इस बात को नहीं मानते हैं, वो तो अलग बात है, बट आई थिंक एंड ये पूरी फिल्म हमने दिल्ली में शूट की और फिर चंडीगढ़ मोरनी हिल्स में। कैरेक्टर ड्रिवन है, थोड़ी अलग है, एक रात की कहानी है एंड साइकोलॉजिकल ड्रामा है। एक ऐसा एरिया है जिसमें मुझे मजा आता है प्ले करने के लिए। मैंने हमेशा जिक्र किया कि कॉमेडी एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी जॉनर है जिससे मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। मैं सिचुएशनल कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं मतलब शक्लें बनाने वाली कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ, आई एम नॉट गुड एट दैट बेसिकली। लेकिन ड्रामा, विलेनियस कैरेक्टर हो, अगर विलन का किरदार हो या सीरियस रोमांटिक रोल हो या कुछ ऐसा हो, ड्रामा से कोई भी संबंधित है साइकोलॉजिकल, तो वो एरिया में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और इस फिल्म के डायरेक्टर वीरेंद्र ललित हैं, जिन्होंने बहुत एड्स बनाए हैं, 500 से ऊपर एड्स किए हैं, मलेशियन फिल्म्स बनाई हैं, तेलुगु फिल्म्स के कैमरामैन रहे हैं। तो जब वो अपने विजन को लेके आए थे कि ये सब्जेक्ट एक रात की और तीन लोगों के बारे में है और ऐसा ऐसा रोल है, तो दिस वॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो जो एक्टर जो है मेरे अंदर, वो जागृत हुआ कि मुझे ये रोल करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस काइंड ऑफ अ फिल्म। और आज मैं आया हूँ क्योंकि उसकी पोस्ट प्रोडक्शन काम चालू है एंड आई एम सीइंग के वो कैसे शेप अप कर रही है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग स्लेट कर रहे हैं इसे मार्च अप्रैल के महीने में रिलीज करने के लिए एंड इट्स लुकिंग वेरी गुड, वेरी 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 गुड। और आज की जो अर्बन जनरेशन है और शहरों में जो रहते हैं, आई थिंक सब लोग इस फिल्म की लव स्टोरी पे, इस सिचुएशन पे, आई थिंक एवरीबडी विल बी एबल टू रिलेट टू दिस, क्योंकि द कैरेक्टर मेरा बहुत ही पुशी है, बहुत ही एरोगेंट है, मेंटली अब्यूजिव है टूवर्ड्स हिज वाइफ, और बहुत चीजें हैं इसमें, लेकिन ग्रे शेड्स हैं। और फिर वो बाद में क्या होता है उस रात में और क्या क्या होता है, तो इट्स ब्यूटिफुली डन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द प्रोडक्ट। हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं एंड होपफुली मार्च अप्रैल में आपसे फिर दोबारा मुलाकात। ऑफ कोर्स, प्रमोशन्स ऑफ दिस फिल्म, ऑफ कोर्स।